अरे सुनो ना, आप कुछ बोलो ना मलयाली मलयाली में। गाली नहीं यार। ये वीडियो है, वीडियो। यहाँ पे मेरे पास कैमरा तो है लेकिन एक अच्छा फोटोग्राफर नहीं है, मेरे अच्छे फोटोज नहीं आ रहे हैं। ईद ने खारा खारा मौका ली एकदम, इधर एक ऐसा मौका ली। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। फिलहाल तो मैं अभी ट्रेडिशनल ड्रेस में हूँ केरल के, और अभी यहाँ पे सब फोटोशूट वगैरह चल रहा है और थोड़ा सा मैं भी शूट वूट कर लूँगा। और क्या ही बोलूँ, इधर भी कुछ टीम है शूट की तैयारी कर रहे हैं और करते हैं आज का फंक्शन शुरू। शादी तो ख़त्म हो गई है, बहुत मतलब 5 मिनट में ही पूरी शादी ख़त्म हो गई थी, बढ़िया था। लेकिन एक चीज़ का मेरे को बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, ये कि यहाँ पे मेरे पास कैमरा तो है लेकिन एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र नहीं है, मेरे अच्छे फ़ोटोज़ नहीं आ रहे हैं। और उसका रीज़न पता नहीं कौन है, क्या ही बोलूँ मैं। इसीलिए ना मैं फ़ोन पे ही खिंचा के स्टोरी और पोस्ट कर दूंगा। इतना महंगा कैमरा होने का क्या मतलब जब अच्छा फ़ोटो ना आए। अच्छा फ़ोटो तो आता है बट खींचने वाला भी तो होना चाहिए, खींचने वाला होना चाहिए, क्या ही बोलूँ मैं। और इसके फ़ोटोज़ दिखाऊँ अभी आप लोगों को, रुको साइड करके देखना अभी इसके फ़ोटोज़। हमारे लड़के साइड लड़के पक्ष के उम्मीदवार आए हुए हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा वाक्य कहा है, तो मैं इनसे फिर से पूछूंगा। क्या कहा आपने? मैंने ये कहा है कि हमारा छत्तीसगढ़ ही बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। एक्चुअली मैं ऐसे आप लोगों को दिखाया तो था नहीं कि मैं आज कौन से गेटअप पे हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ के ट्रेडिशनल गेटअप पे हूँ, तो मैंने यहाँ पे पहना है मुंड, तो मैंने इस टाइप का कुछ गेटअप लिया हुआ है और ऐसा दिख रहा हुआ है। देखो देखो, बाकी एक दो फोटोज़ में दिखा दूँगा कैसे, मतलब कैसे वीडियो में तो पूरा लेते बनता नहीं है, तो आप मेरा यही एक ऐसा लुक है, तो ऐसा कुछ लुक है मेरा। कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके ही। संभाल नहीं पा रहा है लड़का। हाँ थोड़ा सा लूंगी संभल नहीं रहा है, बट ट्राई करना चाहिए नया नया कुछ कुछ, पता नहीं कैसा ही पहना होगा, बट चल जा रहा है, मजा आ रहा है। खुल जा रहा था इसका। हाँ तो फिर मैं वापस गया उसका, ठीक है कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हो गया। तो फिलहाल अभी लंच का टाइम है और लंच भी करते हैं। बहुत कम समय में शादी हुई, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये। 10 मिनट में शादी करा, 10-15 मिनट में एकदम शादी करा, कोई उतना रिचुअल्स वगैरह उतना है नहीं और काफ़ी अच्छे शॉर्ट एंड स्वीट में हुआ। बिना खाने का समय है और खाने के लिए ना ये केले का पत्ता दिया है और केला दिया है, अभी और डिश आने वाला है, तो
अभी ऑडिश आएगा वो आप लोगों को दिखाऊंगा। थोड़ा गाने का कॉपीराइट आ सकता है, अगर गाने का कॉपीराइट आया तो मैं आप लोगों को दूसरा म्यूजिक डाल के दिखा दूंगा। सो इदान केरल सद्य इल्ले इद चोर चावल चिप्स और वहाँ पे ना हाथ धोने की व्यवस्था किए हैं, अच्छा है, मतलब वहाँ पे हाथ धोने की व्यवस्था वहाँ पे है। उसके बाद फिर खाना खाने की व्यवस्था यहाँ पे, अभी वो येलो कलर का पेपर बिछाएंगे पूरे टेबल में, उसके बाद फिर केले का पत्ता बिछा देंगे वहाँ पे सारे टेबल, मतलब जितने लोग खाने के लिए बैठेंगे उतने ऐसे करते हैं ये लोग क्या ही बोलूँ मैं आप ये वीडियो है वीडियो। यहाँ पे हमने इतने सारे डिशेस खाए थे, मुझे किसी का नाम नहीं पता, बस ये अचार है इतना ही पता है, वो केले का है, ये वेज है, दुनिया भर के इतने सारे डिश है, ये तो कम है। खाने के बाद भी चार पांच डिशेस और आ रहे थे, मैंने 12 डिश गिने थे प्लेट पे, उसके बाद भी और आ रहे थे, गिनती भूल गया फिर, मतलब कितने गिने थे कितने खाए समझ नहीं आया, लेकिन थे अच्छे खासे थे, मतलब 15-16 डिशेस थे, पता नहीं, अच्छा था, वेज था, काफ़ी टेस्टी था, सारा चीज़ अलग अलग टेस्ट का था और मज़ा आया खा के। अरे देवराव लड़की जा रही है, अरे देवराव लड़की कैसे दो हसन का दिन कोई तो अभी हम लोग हैं थार के पास, ये अनीशा के हस्बैंड का थार है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं, बहुत अच्छे से मॉडिफाई करके रखे हैं, थोड़ा सा बैठते हैं उसके बाद थोड़े मजे ले लेते हैं। थोड़ी गर्मी लग रही है, पसीना पसीना हो रहा हूँ, लेकिन ये थार में बैठ के कुछ अलग ही कंफर्टेबल लग रहा है। मैं नई वाली थार पे बैठा था तो उसमें इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, शायद इसका सीट भी जो है वो आफ्टर मार्केट ऐसा लग रहा है, और इसका जो स्टीयरिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, और नया वाले थार में क्या कि थोड़ा सा हाइट पे रहता है, थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है, बट शायद आफ्टर मार्केट से बहुत सारी चीज़ें हुई है। ये देखो सॉरी, वो थोड़ा सा वाइड एंगल कैमरा ऑन नहीं किया था तो काफ़ी क्लोज शॉट हो गया था, बाकी आप लोग देखो ना, ये मतलब ऐसा है। और चाबी लगी हुई है क्या? चाबी लगती कहाँ है इसमें ये भाई? अच्छा हाँ, चाबी लगी हुई नहीं है, बट ठीक है। और थोड़ा सा और पीछे का स्पेस, ओहो साउंड सिस्टम अच्छा खासा लगा हुआ है, बेस ट्यूब भी लगा हुआ है, और आफ्टर मार्केट पूरा ही मॉडिफिकेशन से भरा पड़ा है, पूरा मॉडिफाई हुआ है थार। और चला तो मैं नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी यही बोलूँ, बाकी पसीना बहुत निकल रहा है, अपन भी गाड़ी के लवर है तो थार तो पसंद है, बट वही है कि थोड़ा सा फैमिली कार नहीं हो पाता है, इसलिए प्लानिंग नहीं हो पा रही है, बाकी बढ़िया है, कार बढ़िया है, पसीना पसीना ही गाड़ी में घुस के बहुत ज़्यादा पसीना चुह रहा है। और आंटी कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, अच्छा लग रहा है, खाना पीना सब बढ़िया, बहुत अच्छा टेस्टी था, अच्छा था। तो कभी आए भी नहीं है, पहला बार आए हैं, अच्छा खुशी लगा, अच्छा लग रहा है, नया जगह नए लोग नया कल्चर है ना, तो आंटी तो बहुत एंजॉय कर रही है यहाँ पे और सब बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। और पीछे के ऐसा डिक्की खोला तो यहाँ पे भी ओके स्पेस है, चार लोगों के हिसाब से बढ़िया है, मतलब सामान भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आ जाएगा, हालांकि बेस ट्यूब वगैरह तो यहाँ पे रखा हुआ है, साउंड सिस्टम तो होना ही चाहिए गाड़ी में, तभी तो मज़ा आएगा ना, बाकी अच्छा मॉडिफिकेशन हुआ है। अभी वक्त है थोड़ा सा मार्केट जाने का, क्योंकि मम्मी ने कहा है कि केरल की कुछ निशानी लेके जाना है, लेके आना है उनके लिए,
तुम मम्मी के लिए कुछ निशानी लेने जा रहे हैं। हालांकि मैंने मुन्नार से कुछ लेके रखा हुआ है, बट यहाँ से भी कुछ लेके चलते हैं। मुझे लगा था शाम को रिसेप्शन होगा, पार्टी शार्टी होगी, लेकिन दिन में ही शादी और दिन का ही खाना वही शादी और रिसेप्शन था। अभी पार्टी खत्म, अभी मैं फैमिली वाले यहाँ रिजॉर्ट में बैठे हुए हैं, तो वही शाम का डिनर वगैरह है यहाँ पे रिजॉर्ट में। बाकी और एक्स्ट्रा से रिसेप्शन वगैरह कुछ था नहीं, मेहमान भी काफ़ी कम लोग आए थे। तो बड़ी अच्छी बात है यार कि मतलब अच्छा था, होना चाहिए शायद, इसको डेस्टिनेशन वेडिंग ऐसा बोल सकते हैं। वैसे अभी अभी के जनरेशन में बहुत लोग शादी करने वाले होंगे ना, तो थोड़ा सा डेस्टिनेशन वेडिंग को भी फॉलो कर सकते हैं, बट ट्रेडिशन को लेकर के, क्योंकि ट्रेडिशन भी फॉलो करना है ना। तो ऐसा कुछ हो जो मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग पे भी हो और थोड़ा सा मतलब ट्रेडिशन को भी फॉलो करें, तो ये होना चाहिए। बहुत ही प्यारी शाम के साथ यहाँ पे चिल कर रहा हूँ। सारे मेहमान लोग चले गए हैं, बस फैमिली मेम्बर और लड़के वाले कुछ रह गए हैं, और सब चिल कर रहे हैं रिजॉर्ट में। और मैं इतने अच्छे लोकेशन पे बैठा हूँ, पीछे रिवर है और बड़े बड़े बोट यहाँ से जाते रहते हैं, और वो बोट होटल वगैरह जो होते हैं ना, जो बोट होटल्स रहते हैं, रहने बोट रिजॉर्ट ऐसा कुछ, तो वो भी जाते रहते हैं, तो वो भी देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो कुछ कुछ जाते रहते हैं तो देखते रहता हूँ, बस वही टाइम पास हो रहा है। कुछ नया है ना हमारे लिए, हम तो छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे तो बोट ही देखने वही मिलते हैं, तो वही देख देख के हम मैं यहाँ पर टाइम पास कर रहा हूँ। बाकी सब लोग अपना अपना वहाँ पे अपने फैमिली के साथ बातचीत कर रहे हैं, और मैं इधर चिल कर रहा हूँ, फ़ोन चला रहा हूँ। और कल मैं भी अंकल जाऊँगा यहाँ से बिलासपुर के लिए, कल सुबह ट्रेन है। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है ये बोट हाउस, हाउस बोट। जूम करो यार इसको, नहीं नहीं चाहिए। लड़की को फिश खाना है तो फिश खाने का जुगाड़ कर रही है, और किसी को फिश नहीं खाना है, वो सभी को खाना है। केक कटिंग होने वाला है। अरे सुनो ना, आप कुछ बोलो ना मलयाली मलयाली में। गाली नहीं यार। कुछ अच्छा लाइक, अभी क्या केक कटिंग कर रहे हो? अभी से बोलो, अभी ना मलयालम मलयालम नहीं। तो वो आपको पता है, बाकी लोगों को नहीं पता ना, मेरे व्यूवर्स को। और अरे हाँ ना। और ये अदीरा, अदीरा, और इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। अरे ओह धन्यवाद, सो क्यूट। ओके, और वो पीछे अंकल है, ओह क्रिएटिविटी फोटोग्राफर। एक्चुअली ना अभी ना वो रोज लिया और खाते हैं बोल के खा रहा है, ठीक है, सबको बांटा और सब खा रहे थे, जब पता चला कि वो आर्टिफिशियल फूल है वो। कॉपीराइट आ जाएगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस बहुत खूबसूरत। हाँ म्यूज़िक बंद हो गया, तो बहुत ही खूबसूरत शाम का अंत होने वाला है। इतना अच्छा सनसेट, वाओ, मतलब बहुत ही अच्छा लग जा रहा है। शायद कैमरे में आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम सुकून वाली शाम है। एंजॉय करते हैं, ब्लॉग कम करते हैं। और यहाँ पे रैंपो है, ज़िंदगी में बहुत बार देखा हूँ, लेकिन ये केरल में पहली बार देख रहा हूँ, और ये बहुत ही अच्छा सीन है। रैंपो दिख रहा है क्या आपको? ये यहाँ से लेके यहाँ तक का बढ़िया है ना, वाओ सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छी शाम और खूबसूरत शाम का अंत ऐसे हो रहा है, वाओ बढ़िया। डांस कर रही हूँ।
और ये चर्च बहुत सुंदर लग रहा है। घूमते घूमते ऊपर आ गया और इधर ये रिवर है और यहाँ पे सुंदर सा चर्च। इसका फोटो खींच के स्टोरी डालेगा मैं।